हाय गाइस, वेलकम बैक टू टिम साइलेंट। सो आज मदर्स डे है, सो आज सब चीज़ स्पेशल होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैं स्पेशल कर पाऊँगी, मतलब केक ऑर्डर करना मैं भूल गई मम्मी दोनों मम्मी के लिए, एंड आई थॉट आई विल मेक केक, बट दो केक बनाना है और नए किचन, मतलब यू नो व्हाट हैपेंस कि आपको एक किचन की आदत हो जाती है वेर यू कैन मेक एवरीथिंग, और यहाँ पर अभी दोनों किचन इतना नया नया मुझे लगता है, तो मतलब एक नॉर्मल टी बनाने में भी टेक्स लाइक हाफ एन आवर। कहाँ है चाय पत्ती, कहाँ है चीनी, तो आई डोंट थिंक कि मैं केक तो बेक कर पाऊँगी। आई प्लान्ड कि मैं बेक करूँगी दोनों मम्मी के लिए, बट लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक मेरा देवर श्रेयांश, मैंने उसको कल बोला था कि मम्मी के लिए केक ऑर्डर कर देना, आई होप उसने कर दिया, वो अभी सो रहा है। अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, अभी मैं अपनी मम्मी और बन्नी और मेरा भाई, हम लोग सबको एग्रीकल्चर कॉलेज जा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस इन भागलपुर। एक्चुअली मैंने सोचा कि बन्नी को थोड़ा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सब के कैसे वहाँ पर उगता है रियल में वो दिखाती हूँ। तो मतलब बचपन में इवन आई यूज़ टू लव दैट प्लेस, वहाँ पे लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है। सो या वी आर गोइंग देयर, ऑलरेडी वी आर वेरी लेट, 8:30 से ऊपर हो चुका है। मतलब ऐसे प्लान था कि नहीं शायद जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ रात में प्लान नहीं था, सुबह मम्मी सेट की चलो चलते हैं, उसके बाद सबको मतलब रेडी होना एंड ऑल में बहुत टाइम लग गया। सो या सी यू गाइस देयर, बाय। नानी कैसे लग रहा है? तो गाइस तो मैं रेडी होना ही भूल गई, मतलब वैसे तो मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, बट हल्का सा लिपस्टिक में लगाती हूँ, वो भूल गई लगाना। नानी कैसे? चलो कोई बात नहीं। सो आज है मदर्स डे और बनी, मैं और मम्मा हम लोग जा रहे। बनी वेयर आर वी गोइंग? मैंगो ट्री। मैंगो ट्री देखने? अच्छा बनी मैंगो ट्री देखने जा रहे हैं। हाँ? नेल पेंट मानो, तू अभी मानी तू नेल पेंट है। नेल पेंट लगाना है आपको? नहीं मम्मा। मम्मा लगाए नेल पेंट? यस। अरे बाप रे, तो पैम्पर करोगे। अच्छा बनो एक बार बोल दे हैप्पी हैप्पी मानते। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ गया बनी का। ओ गॉड, बनी सो एक्साइटेड। मैंगो ट्री, अरे वाह वाह बनू। अरे वाह बनू, मैंगो ट्री। तो अब हम लोग जा रहे हैं लीची तोड़ने के लिए, और यहाँ बहुत धूप है, बट ठीक है, हो रहा है, मैनेज हो रहा है, हो जाएगा। बनी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड ये अब तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी, मम्मी खुश हो रही है क्योंकि बनी खुश हो रहा है, मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि मम्मी और बनी खुश हो रहे हैं। तो मदर्स डे बहुत अच्छा चल रहा है, अब बस आई एम वेटिंग कि जल्दी जल्दी मम्मी जी के पास भी जाना है। एज आई सेड, बहुत ज़्यादा धूप है, तो कैप सनस्क्रीन तो लगाया नहीं है। मम्मी और बनी मस्त दौड़े। रुक, वाओ यार कितना अच्छा लग रहा है ना, सुंदर। ये क्या करती नानी? हाँ पेड़ पे बैठा दी ना बनू को। ना अच्छा लग रहा है इसको देख के, बस खा नहीं सकती हूँ, खाऊंगी तो ये हो जाएगा सपाटू। ओह माय गॉड, यहाँ पे सपाटू का भी पेड़ है। बनू कम कम कम, चीकू चीकू, हाँ हम लोग उसको सपाटू बोलते हैं, वेल दैट्स कॉल्ड चीकू, दिख रहे? ओह माय गॉड, दैट्स लुकिंग सो गुड। सपाटू चीकू बनी, लीची मिल गया? लीची लीची
गाइस, ये आपने ट्रेन देखा, क्रॉसिंग देखा, तो एग्रीकल्चर कॉलेज जाने के लिए क्रॉसिंग को क्रॉस करना होता है, ठीक है। सो ये बात है आई थिंक 12-13, हाँ बनी ट्रेन से चलेंगे। सो 12-13 साल पहले की बात है, मैं, निकेत, हमारा एक फ्रेंड और मेरी सिस्टर, हम लोग सब एग्रीकल्चर कॉलेज घूमने आए। व्हाट हैपेंड कि हम लोग क्रॉसिंग पे थे एंड मैंने बोला कि चलते हैं, तो वी ऑल वेयर लाइक कि ठीक है चल सकते हैं, और अचानक से उधर से ट्रेन आने लगी। सो उस टाइम शायद यहाँ पर प्रॉपर डिविजन्स ये सब नहीं थे कि आपको रुकना है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं था, बस प्लेन रोड थी। सो व्हाट हैपेंड कि मैं आगे बढ़ी, आई वॉज लाइक ट्रेन तो दूर ही है, चलो चल लेते हैं, एंड व्हाट हैपेंड, मैं दौड़ने लग गई, ठीक है, एंड आई वॉज लाइक चल चल चल, सबको मैं बोली, और यू नो ऐसा था, मैं बोल रही हूँ चलो, आई थॉट कि हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, टाइम लगेगा ट्रेन को जाने में, ऑलरेडी लेट हो रहा था हम लोग को, एंड व्हाट हैपेंड, निकेत ने ऐसे जोर से मेरा हाथ पकड़ा एंड ही वाज लाइक पागल हो, एंड मतलब पता है उसने मुझे ऐसे खींचा और ट्रेन पीछे से गई, लिटरली ही सेव्ड माय लाइफ दैट डे। आई डोंट नो हाउ आई वाज सो स्टूपिड कि मतलब मैं उतना फिगर आउट ही नहीं कर पाई कि मैं, हम लोग जब तक क्रॉस करते तब तक ट्रेन निकल जाती। That was so instant and literally उस time we were friends and all, तो मतलब I thought कि यार ये मतलब यही है बंदा वो मेरे लिए। So these are small places जहाँ हम लोग, इतनी सारी big memories है हमारी, so that is why agriculture college is really close to my heart। मतलब उस दिन बहुत कुछ realize किया मैंने, पहला कि मैं बहुत ज़्यादा stupid हूँ, और दूसरा निकेत इज द वन। सो गाइज, एक फनी बात बताओ, अभी एक केक डिलीवर हुआ है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किया। सो लाइक आई गॉट टू सिस्टर्स, उन दोनों में से कोई हो सकता है, मेरी चाची है, उनको दो बच्चे हैं, तो उनमें से किसी एक ने शायद भेजा हो, तो मतलब केक आ और कोई आता पता नहीं है कि किसका है। सो गाइज, केक के बारे में पता चल गया है, किसने भेजा था, वो निकेत ने भेजा था। मुझे नहीं पता था निकेत ने भेजा है, लाइक या मैंने मम्मी चाची तुम लोग सबके लिए भेजा है, सो दैट वाज रियली स्वीट ऑफ हिम। वेल, केक कटिंग के टाइम में मैं व्लॉग बनाने ही भूल गई, बस पिक्चर्स और एक छोटू से वीडियो आया है। सो गाइज, अभी पापा ने मुझे ड्रॉप किया है, आई एम हियर फॉर अ लंच डेट विथ माई मदर इन लॉ एंड माई देवर, तो हम लोग मदर्स डे उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी मैं अपने घर से ही अपने नानी घर जा रही हूँ, जो बिल्कुल ही चार कदम की दूरी पे है, सो नो हेलमेट इज़ रिक्वायर्ड। बस देखो, अभी घर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और मैं नानी घर विद इन 5 सेकेंड्स पहुँच जाएंगे। बहुत प्यार, सो बेसिकली भागलपुर में दो रोड में मेरी, हाँ तो मैं पहुँच भी गई। मेरी मम्मी का घर, मतलब मेरी मम्मी का नानी घर, मेरा नानी घर, मेरा ससुराल, सब चीज़ें दो रोड। सो बनी भी आ गया नानी हाउस, और यहाँ पर है क्यूट सा पैरट, तो ये है मेरा छुटकू सा बेबी। मुआ, मुआ। इधर देखो, अरे तो ये है मेरे नानी घर का मंदिर। तो ये जो मंदिर आपने देखा है, इसमें जो हनुमान जी की मूर्ति है, ये मुझे लगता है बहुत साल पुरानी, बहुत साल, मतलब मैं बचपन से तो देखते आ रही हूँ, आई थिंक मम्मी लोग के जन्म से पहले की है, एंड मतलब ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी आपसे बात करते हैं। तो मेरे नानी घर में
एक वाइब है, वो एक मंदिर वाला वाइब है, जो पहले वाला नानी घर था, मतलब जो पुराना नानी घर था उसमें प्रॉपर एक मंदिर था एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। मैं छोटी थी तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कैसा दिखता था, पिंक पिंक गेट्स थे इसके, फिर तो घर छोटा था, फिर चेंज हुआ, फिर अभी मतलब मामा जी लोग ने नया घर बनवाया। वेल इतना पीस मिलता है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। सो गाइज, अभी आई थिंक ये मेरे फोर्थ ड्रेस चेंज है आई गेस। सो अभी मैं मतलब नानी घर से तो मैं वापस आ गई थी एंड आई वॉज वेयरिंग अ क्रॉप टॉप, सो आई वॉज वेरी नहीं होता है अनकम्फर्टेबल, और सुबह से इधर उधर कर रहे हैं, आई एम सो डैम टायर्ड। बट अभी मम्मी पापा का बहुत मन था कि हम लोग कहीं जाएं डिनर पे, सो पहले लंच किया, फिर शाम में नानी हाउस में बहुत कुछ खाया, और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। सो या मदर्स डे वॉज सुपर हेक्टिक, सुपर एक्साइटिंग, बहुत मस्ती की हमने। तो आई थिंक व्लॉग को अब एंड करते हैं बिकॉज इट विल बी टू लॉन्ग एंड नाउ आई एम सो टायर्ड। बस अब बस जल्दी जल्दी खाना है, घर जाके सोना है, और हाँ बनी सो चुका है बिकॉज वो बहुत थक गया था, तो अभी चाची घर पे उसका ध्यान दे रही है। तो या चलो बाय बाय गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग, बाय। अगेन मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, वैसे बैटरी सिर्फ 8% बाकी, तो ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाएगा। मुझे पापा एक नए प्लेस लेकर आए हैं, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ, सो आई एम लाइक वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अभी तो वी आर जस्ट ऑन द वे, दिस इज सैंडिस कंपाउंड। सो बेसिकली जो बिहार वाले दे भागलपुर वाले दे नो, बट जो यहाँ के मतलब जो भी नए फॉलोअर्स, मतलब नए नहीं सॉरी, जो भागलपुर के नहीं है, फॉर यू गाइज आई विल टेल यू, ये एक बहुत अच्छा सा गार्डन प्लेस है, बहुत बड़ा गार्डन प्लेस है ऑफ भागलपुर। सो यहाँ पर पहले सिर्फ यही था मॉर्निंग वॉक एंड ऑल, बट अभी शायद ना कुछ फूड कोर्ट एंड ऑल कुछ खुला है, आई हैव नॉट बीन हियर। अभी मैं आज मेरा फर्स्ट डे मैं आई हूँ यहीं पर, मैं बैडमिंटन भी खेलने आती हूँ मॉर्निंग में स्टेडियम, सो स्टेडियम में आती थी, तो वो एरिया मेरा डिस्कवर्ड है, बट ये प्लेस नहीं है। सो अभी आई एम जस्ट गोइंग एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज इतना अच्छा लग रहा है रात में यहाँ पर, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई बिग सिटी में घूम रहे हैं, वी आर लाइक क्या चल रहा है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम सीरियसली वेटिंग फॉर निक्कू कि वो कब आएगा, फिर मैं उसको यहाँ लेकर जाऊँगी, आई एम सो एक्साइटेड, वो बहुत अच्छा लग रहा है यार। माई गॉड, मतलब इतना अच्छा प्ले जोन एरिया पूरा यहाँ पर डेवलप्ड है, मतलब मैं बनी को लेकर आ रही हूँ, मे बी नेक्स्ट सैटरडे संडे या बस कमिंग दिस वीक, कभी भी किसी भी दिन मैं लेकर आ रही हूँ, दिस इज अमेजिंग, आई मीन अमेजिंग। देखो ना टॉय ट्रेन भी है यहाँ पर,